कमलनाथ सरकार राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 50 एकड़ जमीन रिजर्व करवाई है। यह ऐलान जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी के खिलाड़ियों को कमलनाथ सरकार की सौगात। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने किया ऐलान। स्टेडियम के लिए सीएम कमलनाथ ने रिजर्व करवाई 50 एकड़ जमीन। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश भर में खेल विभाग द्वारा कई आयोजन किए गए। इस मौके पर राजधानी भोपाल में स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया साई द्वारा बिशनखेड़ी में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री पीसी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ की शुरुआत की। मंत्री शर्मा ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हॉकी खेल प्राधिकरण द्वारा आज यहाँ आयोजन रखा गया। आज मशहूर हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरा आज जो फिटनेस का अभियान जो प्राइम मिनिस्टर जी के पहल से शुरू किया गया, ये निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है। और मैं साई के हमारे डायरेक्टर मिश्रा जी उनके पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। वहीं मंत्री शर्मा ने कहा कि भोपाल में साई के पास 50 एकड़ जमीन है, इस पर शीघ्र ही इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस कार्य का भूमि पूजन शीघ्र ही करेंगे। स्पोर्ट्स और गेम्स हैं, उनमें वो इंटरनेशनल लेवल में कॉम्पीट करें और वहाँ मेडल जीतें। बगल में ही एक जगह 50 एकड़ की मध्य प्रदेश की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने रिजर्व कराई है, जिसमें बहुत जल्दी एक हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और एक बढ़िया स्टेडियम वहाँ पर बनेगा और सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को वहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा, ये हम लोग करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात मिलेगी, जिससे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं में निखार आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।